What's up guys, so welcome back to another video. So this video is completely depending on my first experience in Pakistan about iftari. मुझे दोस्तों ने बोला था कि चलते हैं इफ्तारी पे, मैंने कहा लेट्स गो, क्योंकि मुस्लिम फ्रेंड्स हैं और सारे बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान में हिंदू है तो मुस्लिम के साथ नहीं घूम सकता, नहीं खा पी सकता. सो दिस वीडियो कम्प्लीटली डिस्क्राइब्स एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. सो जैसे हमने प्लान बनाया कि हमें इफ्तारी पे चलना है, सो व्हाट वी डिड इज एक दूसरे को कॉल करी कि आप किस पे जा रहे हो, किस पे जा रहे हो. सो मुझे दोस्त ने बोला कि मैं किस पे जा रहा हूँ, मैंने बोला कार में जा रहा हूँ. तो उसने बोला कि अब भाई दो हम भी हैं तो हम साथ लेकर चलते हैं. मैंने बोला ठीक है चलते हैं. और फिर मैं सुबह जो निकला कुछ ऐसे, क्या हाल है. सो आज हम जा रहे हैं अपना एक इफ्तारी पार्टी पे, दोस्तों ने अरेंज करी है. सो आई एम गोइंग टू देयर और वो है कबाब जीज में. सो राइट नाउ वी विल गो टू माय फ्रेंड्स, उनको पहले पिक करूंगा, उसके बाद अपन जाएंगे कबाब जीज. सो यहां से पहले जाएंगे, पहले दोस्तों को पिक करेंगे, एक को पिक करेंगे, फिर दूसरे को पिक करेंगे एंड उसके बाद उनसे पैसे भी लेंगे, क्योंकि ऊपर का काम कर रहे हैं तो पैसे लेंगे इंशाल्लाह, ट्राई करेंगे. तो बेसिकली एक दोस्त के घर पहुंच गए हैं. अब वो जैसे ही घर से निकलता है मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन है. नाम तो अनस है, तो अनस आएगा आपको मैं दिखाता हूँ. ये साहब दूर से आते हुए बहुत ही बड़े कमी है इंसान है, हैं तो बहुत डिसेंट है मगर बहुत ही ज़्यादा जो है ना ऐसे डैश इंसान है. सोच है आपकी बस ये. हाँ भाई क्या हाल है. यही बंदा है जो बहुत बड़ा क्रिकेटर है हमारे GCA टीम का. वालेकुम सलाम, क्या हाल है. अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाओ. अल्हम्दुलिल्लाह चलो फिर चलते हैं आप दिनाल को लेने. आ रहे हैं हमारे बच्ची जो है ना पटाने के जो माहिर. हाँ भाई ये हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये जो हैं टॉपर रह चुके हैं हमारे गुलशन कैंपस से में. तो चलते हैं अब हम कहाँ पर, कबाब जी. सो जैसे इन दोस्तों को पिक कर लिया, फिर मैं कार चला रहा था एंड आई वॉजंट एबल टू कैप्चर दैट मोमेंट्स. फिर हम कबाब जी पहुँचते ही हमने उस व्लॉग को कंटिन्यू किया. तो बेसिकली हम जो है ना अभी कबाब जी पहुँच चुके हैं और अभी हम जाएंगे सीधा कबाब जी के अंदर. ये दोस्त हैं जो शर्मा रहे हैं, देख सकते हैं शक्ल, शक्लों से पता चल रहा होगा इतना शर्मा रहे हैं ना, लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं. तो अभी हम सीधा अंदर जाएंगे और इस तारीख का जो है ना अभी टाइम बहुत हो गया, अराउंड 7 बज गए हैं और अभी तक हम अंदर नहीं गए. तो अभी जाएंगे सीधा अंदर जाएंगे और इस तारीख का ऑर्डर देंगे. दोस्त भी वहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो लेट्स गो. बेसिकली हम अंदर पहुंच चुके हैं. ये हमारे माज और ये हैं मुबीन अली और ये हैं मीनाज अली. ये जो ना बहुत अभी बिजी हैं यहाँ पर ऑर्डर देते हुए और इनको जो ना भूख ऐसी लगी है, सिर्फ पजीता स्टिक वगैरह देख रहे हैं. और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है शरबत भी पड़ा हुआ है और इन सब की शक्ल देख सकते हैं. लिप्स जो है बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं इनके और बहुत टेंशन में है क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं ऑर्डर करना. ये देखो शक्लों से पता चल रहा होगा कितने कंफ्यूज हैं, क्या मंगवाना है क्या नहीं मंगवाना. और ये है हमारा जीसी का स्क्वाड, 6 बंदे और भी बहुत ज़्यादा कम है, बस 6 का स्क्वाड मैं बता रहा हूँ, बाकी और बहुत ज़्यादा है. 30 बच्चे थे हमारी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह. दोस्त सारे गए हुए नमाज पे और मैं जो हूँ बोर हो चुका हूँ, प्लस ये कि खाना भी नहीं आया. भूख बहुत लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जबकि रोज़ा मैंने नहीं रखा. अगर ये समझो मैंने रखा है, ये आप सोच लो कि मैंने रोज़ा रखा है तो आपको भूख लगने लगेगी. और मैंने रोज़ा रखा है मैं सोच रहा हूँ और मुझे भूख बहुत ही ज़्यादा लग रही है भाई साहब. और बस ये लोग आ जाएँ, उसके बाद खाना खाएंगे हम भी और पेट पूजा करेंगे, फिर काम पूजा ब्लॉगिंग बाद में, पहले पेट पूजा भाई साहब. फाइनली इफ्तारी कर ली हमने और पीछे बर्थडे हो रही है तो इनको मैंने सजेशन दी कुछ दिखा खाने के बाद कुछ मीठा भी हो जाए तो केक खा कर चलते हैं. मगर इनको ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर नहीं,
बाहर चल के खाते हैं और इनको आइसक्रीम खानी है बल्कि केक नहीं खाना। और एक्चुअली हमारे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं तो इसलिए हम पीछे वाला केक जो है ना उस पर सोच रहे हैं कि उस पर जो ना जम मारें, ट्राई करें। वो केक जो है वही बेस्ट रहेगा हमारे लिए। और यहाँ पर अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम जो है चंदा जमा कर रहे हैं। ये देखो ऐसे चंदा जमा कर रहे हैं। अभी मेरी बारी है, नहीं मैं क्यों डालूँ, चलो बाद में डालता हूँ। ये चंदा अब इनको देंगे क्योंकि हमारे पास कैश इतना था। ये देखें ये बीच से जो है ना थर्ड पार्टी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी। सो समस्या कुछ ऐसी होगी कि हमें पढ़ना था 700 पर हेड कॉस्ट। मेरे दोस्त के पास जो कार्ड था उस पर 40% ऑफ था, शायद 25% या 40% ऑफ था। सो 700 पर हेड जा रहा था, फिर अनफॉर्चुनेटली उसका कार्ड नहीं चला। फिर ऐसा हुआ कि हमें 1100 पर हेड देना पड़ा क्योंकि वहाँ पर कैश हम तो लेकर गए थे और 1100 पर हेड हमें पड़ गया। तो हमारे जो दिल की आस थी आइसक्रीम खाने की वहीं दब गई। फिर हमने मैनेजर से बात करी, हमने बोला कि अभी कार्ड हमारा चल रहा है, सो कैन वी यूज़ दिस कार्ड राइट नाउ। तो उसने बोला कि नहीं, हमारा जो आपका टेबल है वो अलग हो गया, तो इसलिए आप जो ना कैश को रिमूव करके आप कार्ड से वापस पे नहीं कर सकते। सो हुआ कुछ ऐसा कि हमने मैनेजर को बुलाया, हमने बोला मैनेजर भाई कुछ सुन लें आप। तो वो आए, उनसे हमने बात करी एंड उनको हमने इंसिस्ट किया कि आप कॉम्प्लीमेंट्री आइसक्रीम ही खिला दो आप, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ तो कुछ तो नाम की चीज़ होती है ना, क्योंकि हमें आइसक्रीम खाने का बहुत ही ज़्यादा दिल था। हमने सोचा कि हम जाएंगे केबीज जाएंगे और वहाँ पर जो ना आइसक्रीम खा कर आएंगे, केबीज जाएंगे आइसक्रीम, मतलब पहले यहाँ पर तो पूरा बिल करें। तो जैसे हमने उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री आइसक्रीम ही खिलाई एंड वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा कि कॉम्प्लीमेंट्री आइसक्रीम ही दी। सो हमें फिर कॉम्प्लीमेंट्री आइसक्रीम मिली, मगर इतनी ज़्यादा मिली कि माशाल्लाह। आपको एक स्नैप भी दिखा देता हूँ, ये लो स्नैप देखो। तो बेसिकली जितनी भी मिली अच्छी मिली, खैर है खा लिया ना बस खत्म। सो उसके बाद हमने मैनेजर को थैंक यू भी बोला कुछ, थैंक यू सो मच फायज भाई, ये आपने कॉम्प्लीमेंट्री आइसक्रीम खिलाई एंड रियली इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू। सो आफ्टर कबाब जीज हमने, हमारे पास पैसे कम थे एंड वी वर प्लानिंग के कलेश आप जा रहे हो क्योंकि अराउंड 10 बज गए थे, सवा दस बज गए थे एंड मुझे घर जाना था, दोस्तों को भी घर जाना था, मगर जिसका कार्ड था तो फिर ये पता नहीं साइड में प्लानिंग कर रहे थे। मैं घर में कॉल पे बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि हम अब चलते हैं केबीज, तो फिर दोस्त ने बोला कि मैं खिला रहा हूँ। हमने बोला चलो, हमारा खर्चा होगा 200 का, आपका खर्चा होगा 400 का, सो चलो। तो वहाँ पर हम गए केबीज, जैसे हम केबीज पहुँचे ना तो सारे जो ना सठे आ गए, मतलब ये समझो कि बहुत ही ज़्यादा रोज़ा लग गया था इनको। आप देख लो उसको, देख लो कि कैसे ये जो ना वहाँ पर तफरियाँ कर रहे थे, देख लो वहाँ पर। फिर से बोलो मुबीन, क्या मंगाना है? नहीं सही से बनाओ ना, इनको चॉकलेट किस चाहिए? सर संडे में दो करते हैं, एक ब्लूबेरी संडे और क्रीमी कैरमेल नहीं, एक तो फिर दो ओरियो उसके अलावा, एक किस कर दें चॉकलेट किस। किस किस बोल कर ये जो है देखो हाल का हाल ही बेड़ा गर्क हो गया। देखो गंदी सोच है इनकी, बहुत ही ज़्यादा गंदी सोच है। चॉकलेट किस एक नाम है तो ये कर रहे हैं। खैर आज का दिन बहुत अच्छा था, हमारा डेबिट कार्ड नहीं चला, हमारा पेट्रोल बीच में बंद हो गया, एक पेट्रोल ही बंद हो गया। वो कहीं गाड़ी कोई और थी, ये नहीं थी। सो जैसे हम केबीज से निकले तो चार दोस्त मेरे साथ थे और एक दोस्त था जिसका रूट कहीं और था और हमारा रूट गुलशन, तो उनको तो जाने दिया। फिर हम निकले यहाँ से सीधा घर वाले रूट पे एंड देन हमारा ब्लॉग जो है ना कुछ ऐसे एंड हुआ। Can't stay in one place. Keep moving like a bullet train.
वेट व्लॉग अभी ओवर नहीं हुआ, सो लेट मी क्लियरफाई दिस के पाकिस्तान में जो भी हिंदूज हैं, जो भी मुस्लिम्स हैं, ये कॉन्ट्रोवर्शियल जो टॉपिक है ना, इसको आप इग्नोर करो. एंड कोई भी हिंदू, कोई भी मुस्लिम ये आपस में लड़ाई नहीं करते कि पाकिस्तान में हिंदू जो है उनको मारा जाता है, उनको ये किया जाता है. वो फ्रीली कुछ काम नहीं कर सकते. तो हिंदूज़, मैं एज आई एम हिंदू, तो मैं हर चीज़ कर सकता हूँ यहाँ पर पाकिस्तान, जो हिंदू नहीं कर सकता हो और मुस्लिम कर सकता हो. सो ये जो नेगेटिविटी है ना, दिमाग से निकाल दो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर. पीस.